वेलकम बैक पीजी चामी टू पोकेमोन गया बहुत दिनों बाद। और गाइस पिछली बार अपन लोग बहुत ही गंदा वाला भटक रहे थे भाई यहाँ से वहाँ, बिकॉज अपन लोग को ढूंढना था अपना राइवल जो कि भाई आगे की सिटी में छुप के बैठा हुआ है। मतलब लिटरली मैं उसको देख नहीं पाया भाई, मेरी गलती है, मैं कबूल करता हूँ भाई, आप लोग ने कमेंट करके बताया मेरे को। सो मैं भाई मेरे को बहुत ज़्यादा बुरा लगा, मेरे को ना पहले टाउन को एक्सप्लोर करना चाहिए था फिर आके केव में भटकना चाहिए था। बट आप लोग पता ही है भाई संजू भाई कितना ज़्यादा मतलब खोपड़ी इधर से उधर हो जाती भाई गेम खेलते खेलते, और वही सीन मेरे साथ हुआ था। अब मेरे को नीचे चलना भाई, मतलब ये केव जिधर से हम लोग ने स्टार्ट किया था उसको छोड़ना है अभी, चल नीचे। मेरा कंट्रोल भी भाई सही टाइम पे मेरा साथ नहीं देता, बहुत दिमाग ख़राब करता है, क्या कर सकती। नीचे भागना है अपन, काफ़ी ऊपर आ गए थे भाई, काफ़ी ज़्यादा ऊपर आ गए थे, तो अभी फटाफट नीचे भागना है भाई और कुछ नहीं करना नीचे। अबे यार जब मेरे साथ कुछ गलत चीज़ें होती है ना मेरी किस्मत ही पांडू हो जाती है भाई, पूरा पूरा सिस्टम ही गलत हो जाता है। बट कोई बात नहीं, कल करी सो आज करे, आज करे सो अब, अभी करेंगे टेंशन नॉट, अभी करेंगे। हाँ चलते फटाफट। ओके हम लोग फाइनली बाहर आ चुके, और यहाँ से भटकते भटकते हमको ना वहीं जाना है जहाँ से अपन लोग आए थे। मतलब क्या कमाल की बात है भाई, चलेंगे आगे हम भाई। बैटल ये मैंने किया नहीं था क्या भाई, व्हाट द हेल यार, ऐसे कैसे यार, कौन लोग है भाई, कहाँ से आते ये लोग। अबे चपड़गंजू कहाँ से आते हो भाई, अबे साइन तो कम से कम दे दिया करो कि मैंने तुमसे बैटल नहीं किया, मैं थोड़ा ऊपर नीचे से चले जाता यार। कोई बात नहीं कर ले यार, बैटल हरा भी दिया बट मेरे पोकेमोन की हालत काफ़ी ख़राब कर दी उसने, टाउन ही वाले ना इससे बैटल। अबे मैं कहाँ जा रहा हूँ भाई, मैंने किसी से बैटल नहीं किया क्या भाई, मैं भाई साहब क्या है भाई, इसके लिए बोलते किसी को छोड़ो मत, टाइम पे निपटा दो ना, बाद में वो तुमको यार पीछे पड़ जाएंगे तो तुम्हारा बुरा हाल कर देंगे भाई। वही हो रहा है यहाँ पे, ब्रॉन्जोंग इसको भी फेंट कर दूंगा मैं बड़े आराम से अगर फायर टाइप होता तो। वाटर भी काफ़ी अच्छा डैमेज दे रहा है, उम्मीद नहीं थी बट या काफ़ी बढ़िया डैमेज दे रहा है। ओके स्कार्मरी बचा हुआ, ये वाटर नहीं है, स्टील प्लस फ्लाइंग है, स्टील एंड फ्लाइंग। अरे वाह नहीं, ओके यार माइलोडी फेंट हो गया, बहुत बुरा हुआ बहुत बुरा। बट टैलेंट फ्लेम अपने पास है भाई, फ्लाइंग प्लस फायर एडवांटेज रखता है ये फ्लेम थ्रोर मार के फेंटेड, चलो बहुत बढ़िया, उसको बोलते बढ़िया वाला काम। वो टाउन किधर गया यार, मैं भटक के दूसरी जगह तो नहीं जा रहा हूँ ना, यही ना, हाँ यही है साथ से, या हाँ इकोस टाउन यही है। अबे ऊपर चल भाई तेंदुए, ये देखो यहाँ पे मेरा राइवल, इसको ही ढूंढ रहे थे ना भाई अपन लोग, इसने बहुत परेशान कर दिया। हे संजय दिस इज हार्सिल्स हाउस, इफ ही इज द वन हु नोस मॉल्टिन रीज वी शुड आस्क फॉर हिज हेल्प, देन वी कैन गो टू द की टैबलेट इन इग्निस वैली, आर यू रेडी टू गो आस्क फॉर हिज हेल्प। यस भाई लेट्स गो, गेम फेस इज ऑन, लेट्स गो गाइस लेट्स गो। ये बंदा ना अपन को बहुत परेशान करता अभी। हेलो जस्ट वन मोमेंट, क्या हुआ यार जल्दी आ, आई एम टू बिजी मैन। वाइट ओ 48 झांडू एंड हिज फ्रेंड, सही बोला भाई, झांडू और उसका चलो फ्रेंड संजय भाई, संजय जो भी बोलो सही है। ओ यस संजय एंड फ्रेंड, हाँ भैया माई अपोलोजाइज किस लिए, वॉट ब्रिंग्स यू टू आइकॉस टाउन, आई सी यू सीक द पावर ऑफ मॉल्टिन रीज, दैट्स राइट टू सेव द रीजन हम, दैट्स नॉट रिश्योरिंग। अब क्या होगा, आई एम अफ्रेड माई आंसर इज द सेम एज इट वॉज फॉर द न्यू एल्डर्स वैन दे आस्क्ड एंड दैट आंसर इज नो, बट इट वॉज नाइस टू सी यू किड्स। अब यार ये लोग क्या घूम घुमा के यार दिमाग खराब करते, इज दिस गाय सीरियस, नहीं बिल्कुल नहीं भाई मजाक में ही हूँ। अबे क्या कर रहा है भाई, भाई परेशान मत कर मेरे को, क्या करना है बता मेरे को क्या भाई, प्लीज डू नॉट पेस्टर मी ऑन दिस टॉपिक, बोथ योर सेल्फ्स एंड द न्यू एल्डर्स वॉन्ट दिस पावर फॉर योर गोल्स, that is a fundamental misunderstanding of our relationship with Pokemon. I will not endorse the misuse of Pokemon for the agendas of humans. तो मैं क्या करूँ बे, तुम लोग कटो मरो मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मेरे को क्या करने है बताओ। अब यार ये क्या है बे, मैं क्या अब ये बाहर आ गया, what? Well that went horribly. If he refuses to listen to reason, we will have to do this ourselves. At the very least, we can slow the new elders down, right? What भाई अर्थक्वेक, ये तो हमेशा आते जाते रहते हैं भाई, इसका तो कुछ है ही नहीं, इज्जत ही नहीं है, कभी भी आएगा कभी भी जाएगा, बट एक घर टूट के गिरता नहीं, क्या झंडू वाम अर्थक्वेक आता है इसके नाम की जैसा भाई, अर्थक्वेक भी इसको भी झंडू बोलना पड़ेगा। डैट वॉज ए बिग वन, क्या घंटा कुछ नहीं भाई, फ़र्क ही नहीं पड़ा बे, मैं खुद नहीं हिला तो क्या, फेल्ट लाइक इट केम फ्रॉम इग्निस वैली,
सिमोन लेट्स नॉट वेस्ट एनी टाइम गेटिंग देयर। अभी मेरे को भी लेके चल तेरी भैंस की टांग। ये नहीं लेके जाएगा, ये तेज नहीं लेके जाएगा, बहुत खतरनाक इंसान है ये। इग्निस वैली कौन सा है, यही है ना इग्निस वैली। आईक्यू शुरू नहीं है, अरे पहले यूज़ कर ही लेते, क्या दिक्कत है। इग्निस वैली कौन सा है भाई, ये है क्या आईको श्री उनसे, ये नहीं है। इग्निस वैली, इग्निस वैली, इग्निस वैली इधर है क्या, ये इधर तो नहीं होगा, नहीं है भाई इधर कुछ नहीं है। मैं भाई परेशान हूँ भाई, मैं गेम काफ़ी दिनों बाद खेल रहा हूँ, तो मेरे को इतने अच्छे से रास्ते वगैरह याद। अबे यार चिपकाना जरूरी था तेरी भैंस की टांग। डिफरेंट ड्रैपिन चलो ठीक है, मैं फेंट तो कर दूंगा, हरा दूंगा इनको, बट भाई क्यों ऐसा, मतलब इनको क्या कंड क्या चढ़ा है मेरे से बैटल करने का। एक अच्छा हैंडसम लड़का दिखा नहीं आ जाते उससे बैटल करने, यार गजब यार। इसके ऊपर साइकिक, अच्छा डार्क टाइप भी है यार, मैं भूल गया था, दिमाग भी कभी कभी इधर से उधर हो जाता है। मैजिक साइन तो ये तो लगेगा ना डार्क टाइप की, वो सुपर इफेक्टिव होता है। लो फेंट भी नहीं हुआ भाई, सुपर इफेक्टिव छोड़ ही दो, फेंट भी नहीं कर पाया। थंडर जब लगता है ना तो अच्छे अच्छों की भाई दुनिया हिला देता, और वही हुआ। गीगा इम्पैक्ट नहीं सिखाना भाई, इम्पैक्ट मतलब काफ़ी रिकॉइल में काफ़ी अच्छा डैमेज अपन को भी पड़ जाता है। कहाँ है भाई वो, अरे भैया वो किधर है। इग्निस वैली परेशान ना करियो भाई मेरे को प्लीज़ यार, मैं बहुत परेशान हूँ। ये क्या, अच्छा इग्निस वैली इधर नहीं है, कैच कॉम से वो इधर किधर होगा भाई। एक भी बैटल नहीं प्लीज़, एक और बैटल बिल्कुल मैं सहन नहीं कर सकता। अच्छा इग्लिच है क्या, पता नहीं। व्हाट द हेल ये कौन लोग है भाई, ये लोग कहाँ से आए हैं, मेरे को क्यों परेशान कर रहे सब लोग। मतलब एक एक को चुन चुन के मेरे से ही बैटल करना है, मैं इतना स्पेशल क्यों हूँ यार, आई डोंट नो द रीज़न, बट या सब मेरे को इतना पसंद क्यों करते, क्यों करते भाई। उनको भी नहीं पता, नहीं बता रही कोई, बोल रहे भाई तुम बहुत अच्छे दिखते हो। हाँ ठीक है संजू भाई अच्छे दिखते, सबको पता भाई संजू भाई से हैंडसम गाय, भले आप लोग ने मेरा चेहरा नहीं देखा तो क्या हो भाई, आई एम स्टिल अ हैंडसम बॉय। ओहो अब क्या लड़की की मुँह से सुनोगी तो ही मानोगे, लड़की का झोल किधर से करो, लड़की नहीं मिलती भाई मेरे को। चल रहे भाई इधर कुछ, यार मेरे को ना एक ऐसा मैप चाहिए जिसमें पॉइंट टू पॉइंट ऐसा लोकेट करे कि मैं सही जा रहा हूँ कि नहीं। एक तो मेरा की पैड गेम का, मेरी भैंस की टांग फोड़ने में विश्वास रखता हूँ, मैं फोड़ दूंगा अभी। इग्निस वैली विंड में सबमिट इधर, आइको स्टाउन इधर, ले चल भैया ले चल इसको, तुम्हें ले चलेंगे हम कुत्तों के शहर में। वो तो पहले से तुम कुत्तों के शहर में, आप भी परियों के शहर में, क्या दिमाग है भाई, गाना भी अजीब ही गाते हो भाई। परियों के शहर में जाना है, कुत्तों के शहर में तो ऑलरेडी तुम हो भाई। क्या बात है, खुले आम बेइज्जती हो रही है भाई कुत्तों की, कोई बात नहीं होता है होता है, हमारा भी बेइज्जती होता है खुले आम सबके सामने, तो कुत्ते क्या ही चीज़ है फिर हमारे सामने। आ गई सही बोल रहा हूँ ना, स्टेरैप्टर ये तो भाई एकदम आ चुका है बकरी के मुंह में, चावा क्या बोलते उसको, नहीं पता मेरे को, भूल गया भाई, भूल गया मैं क्या बोलते भाई, मतलब पता नहीं क्या बोलते, मैं भूल गया। मच्छी के मुंह में चारा, चारा ऐसे ना। अबे जा अबे तू छोकरी, आई डोंट लाइक छोकरी फॉर बैटलिंग, बट आई लाइक क्यूट क्यूट छोकरी, या आई लाइक क्यूट क्यूट छोकरी, नॉट फॉर बैटलिंग, नॉट फॉर झगड़ा करिंग। हमको छोकरी पसंद होइंग क्योंकि हमको छोकरी अच्छी लगी, बट जो झगड़ालू छोकरी होइंग उससे हम दूर रहेंगे, वरना वो हमारे को मारिंग, हमारा टकला फोड़िंग तो हमको बहुत दर्द होइंग, और दर्द होइंग तो हमको दवाई खाएंग, और दवाई खाएंग हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेंगे, तो हम अभी बस चुप होते हैं और गेम खेलते हैं। कभी कभी ना ऐसे करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, पता नहीं क्यों बट आता है, और मैं करता भी हूँ भाई। जिस चीज़ को करने में मज़ा आए भाई उस चीज़ को कर दो, भले बाकी लोग कुछ भी बोले, मतलब इतना भी कुछ खतरनाक मत कर देना कि बाकी लोग बोलने के बदले सीधा धोना शुरू कर दे, समझ रहे हो ना। वही वही अब नहीं समझे तो मैं क्या कर सकता भाई, मैं बता थोड़ी सकता हूँ, मैं सिर्फ इशारे दे सकता हूँ, और अगर आप समझदार नहीं हो तो उसमें मेरी गलती नहीं है भाई। बादाम वादाम खाओ समझदार बनो, वैसे बादाम खाने से कोई समझदार बनता नहीं है, बट फिर भी लोग बोलते तो मैं भी बोल देता हूँ भाई। देखो भाई ये लोग बैटल बहुत ज़्यादा करते हैं, इसके लिए मेरा दिमाग हिल जाता है, जब पहले यूज़ करने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। ये लो यहाँ पे ना वॉक थ्रू वॉल्स की चीट कोड लगाओ, फटाफट भागो, ये बहुत खतरनाक लोग हैं, इतने भयंकर लोग हैं ना भाई, इनको पता नहीं क्या मिलता है बैटल करके। अरे मैं इज्जत से आया हूँ, मेरे को इज्जत से जाने दो, खाई को तुम अपना धुलाई करवाना चाहते हो मेरे हाथ से भाई, पता नहीं क्या ही चुल मची रहती है इनको भाई, पता नहीं भाई मेरे को नहीं पता भाई इनको क्या चुल मची रहती है, आई डोंट नो वाइस। अब ये कौन है भाई, शॉर्टलैंड पता नहीं, थंडरबोल्ट से फेंट हो जाओ, रहम करो, रहम तो नहीं करेंगे, कोई रहम नहीं करेंगे। ये लो ये गद्दार लोग कभी भाई धोखेबाजी रहेंगे सबके सभी, सुधरने वाले नहीं है भाई, ये मार खाएंगे तो ही सुधरेंगे, ये लातों के भूत है, बातों से मान जाए ना 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 ना, ऐसा कैसे हो सकता है भाई।
रैटिकेट तू किधर से आया भाई? चूहा लेके कौन घूमता है भाई अपने साथ? मेरे को पता है आज बहुत बड़ा नुबड़ा है भाई, चूहा लेके घूमता है, पूरे सफर में चूहा लेके घूमा है पिकाचू, बट उस चूहे की बात ही कुछ हो रही है। जो चूहा ये लेके आया तो उसकी बात अलग है भाई। अब दूर से ओके, ऐसे कपल लोग भाई दूर से नहीं पकड़ते, अच्छी बात है। कपल लोग चिपक के भाई आपस में बिजी रहते और हमको निकलने का काफ़ी अच्छा चांस मिल जाता है। ऐसे कपल लोग से ऐसे कपल लोग मेरे को बहुत पसंद है जो हमको परेशान नहीं करते, आपस में ही बिजी रहते हैं और आपस में ही सब इधर उधर का चीज़ें कर लेते हैं भाई। समझ रहे हो? अब नहीं समझे तो मत समझो ना, मैं क्या कर सकता हूँ यार, कितना अच्छे समझाऊंगा। क्या कर रहा हूँ भाई मैं? अबे चल ना यार, चल चल। नहीं भाई इधर तो बिल्कुल नहीं जाऊँगा, ऊपर से भले निकल जाऊँ। अबे ऊपर नीचे चार चार रास्ते किधर जा? मॉर्गना एट लास्ट द की टैबलेट। अब क्या? आई एम प्राउड ऑफ यू ऑल माई चिल्ड्रन, और सब इसके बच्चे क्या? अमेजिन आई इमेजिन यू विश टू विटनेस द अवेकनिंग फर्स्ट हैंड, इट विल बी द ग्रेटेस्ट ऑनर ऑफ ऑल। वेल आई एम अफ्रेड यू सेंड बी हियर फॉर इट, इट इज इम्पेरेटिव द अदर टैबलेट्स आर गार्डेड, आई विल ट्रस्ट नोबडी मोर देन माई थ्री एल्डर नाइट्स टू डू सो। यू नाइस, बट मैम माई डिसीजन इज फाइनल, नाउ गो। लो जाओ जाओ जाओ। नाउ द टाइम इज फाइनली कम, रेजिगिगस योर स्लम्बर इज ओवर, नॉट सो फास्ट। कौन आया बे? अबे झंडू किधर से आ गया बे? आया तो मैं था पहले, ये कि ये आ जाता मेरा पूरा क्रेडिट लेने भाई। इसको मन करता पटक के मारूँ, नंगा करके मारूँ। वी आर नॉट गोइंग टू लेट यू डिस्ट्रॉय अवर होम, आई वॉन्ट लेट इट हैपन, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली संजय वॉन्ट। अच्छा मेरे को ज़्यादा घसीटेगा भाई, मेरे को मेरे से ज़्यादा पंगा दिलना है। Enough, I am sick of your interference. I will curse you, petulant children, once and for all. अब हील तो कर देते मेरे पोकेमॉन्स को, मेरे को पता है तू मेरे को धो देगी, बट वो ठीक है, ये काफ़ी अच्छी दिख रही है बुढ़िया, बट अब यार हील कर देते यार कम से कम, बच्चे के साथ इतना नाइंसाफी क्यों करते यार ये लोग? हील कर देते पहले मेरे पोकेमॉन को, फिर बताता मैं क्या चीज़ है भाई। संजू भाई ये लोग खत्म है, लगा ही था गाड़ी वो उन्हें आएगी भाई, उन्होंने गलत अटैक ही किया था ना, मेरे को वो करना चाहिए था हिप्नोसिस पहली बार में, उससे बात बन जाती। नहीं मैं पहले से दंग हूँ। और भाई क्या चल रहा है यार, मजाक चल रहा है तेरी भैंस की टांग। अबे दिमाग ख़राब कर दिया यार ये लोग ने भाई, हीलिंग एक तो करा नहीं है लोग ने, और अब देख रहे हो यार ऐसा थोड़ी होता है भाई कहीं। मैं पहले हीलिंग कर देते, और राइवल साला मिला तो मिला, हीलिंग नहीं किया उसने, क्या बोलने का भाई। ऐसे झंड लोग मिल जाते, ऐसे झंडूवाम, इसके लिए मैंने उसका नाम झंडूवाम रखा है, अच्छा किया उसका नाम झंडूवाम रखी। क्या इंसान है यार, मिला तो मिला हील कर देता कम से कम, मैं उसका ही दोस्त हूँ यार। ये लो ये भी गया, हद है यार, क्या नल्ले लोग ही सब फ्रेंड मिले मेरे को भाई गेम के अंदर भी, हद कर देते यार। एक ढंग का काम नहीं करता कोई, एक ढंग का काम सब मैं ही करूँ यार, क्या बात है। आ जा बिना सौरस, और क्या करूँ भाई, ये तो फेंट हो जाएगा कॉस्मिक। अच्छा नहीं हुआ, उसने अपना डिफेंस बढ़ाया तो मेरे को दिक्कत नहीं, मैं फ्लेम थोड़ा मारूंगा अभी। स्टील टाइप ही मेरे को लगता है, बट है नहीं कॉस्मिक पावर से क्या डिफेंस बढ़ा रहा है भाई, बार बार क्लोज कॉम्बैट मारूंगा ना मैं फिर। ये तो इतना भाई चुल्लू बड़ा डैमेज, लिटरली चुल्लू बड़ा डैमेज, कॉस्मिक पावर बढ़ा बढ़ा के भाई डिफेंस बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया इसने, अब इसको फेंट करना और हार्ड हो जाएगा। यूज़लेस यार, सिट हट यार। तो कौन सा टाइपिंग के पोकेमॉन है ये, टाइपिंग भी नहीं दिखाता, क्या खटारा गेम है यार। गुस्से में उसके लिए कुछ भी बोल रहा हूँ, सॉरी। हाँ दो पोकेमॉन को मैंने फिर भी फेंट कर दिया, और चार बचे हुए। बुढ़िया मेरे को जीने नहीं दिखी, अब तो गए भाई, अब नहीं सहारा ही नहीं है जीतने का भाई, हारेंगे देख लेना भाई। फायर टाइप एक ही अटैक मारेगा उतने में काम खत्म हो जाएगा। रिवाइव है क्या? नहीं भाई, फुल रिस्टोर नहीं चाहिए अभी, रिवाइव चाहिए मेरे को, ख़त्म है भाई। संजू भाई तुमचा टाइम ख़त्म जला, कुछ नहीं हो सकता भाई, कुछ नहीं हो सकता, ये लो ख़त्म। अब क्या, अब मैं ठुमका लगाऊँ इधर भैंस की टांग? क्या राइवल है भाई, झंडू साला एक नंबर का, दिमाग ख़राब करवा दिया भाई। हील कर दे तो क्या उसके बच्चे, बच्चे तो है नहीं उसके, नहीं जाने का ज़्यादा आगे नहीं जाने का। इतना लंबा भाई, क्या बात है भाई यार, गाइस वेट करो फिर से वहाँ जाना पड़ेगा यार। क्या राइवल है भाई मेरा, एकदम खटारा यार। एक बार फिर से बैटल हो चुका है स्टार्ट, और इस बार धो दूंगा मैं इसको, धो दूंगा एकदम अच्छे से, धो डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं, तोड़ी नाकिस फोड़ी नाकिस हड्डी तोड़ी नाकिस। एक हाथ सर ये लो, अब हाँ अब आना भाई मैदान में। अब क्या हुआ, हो गई पैंट गीली, हे बॉय हे गर्ल हे बुढ़िया बूढ़ी अम्मा, क्या हुआ? खाओ ना सर, खाओ थोड़ा पानी पी लो यार, बहुत गर्म, बहुत गर्मी चढ़ी हुई थी। अभी आओ संजू भाई से पंगा लेते हैं यार, जब संजू भाई थोड़े
कमजोर हो जाते तो दुनिया आ जाती है उनके ऊपर चढ़ने भाई। अब आओ ना, अब चढ़ो, एक पोके उनको नहीं हरा पा रहे, देख रहे हो भाई, एक माइलोटिक को नहीं हरा पा रहे भाई। क्या बात है, क्या गुंडा गुंडी बनेगी रे तू, क्या गुंडी बनेगी, हद हो गई रे भाई। अच्छा मेगा गिंगर ही तेरे पास, तो क्या हुआ, मेरे को नहीं डर लगता भाई मेगा गिंगर से, मेरे पास मेगा विनोसॉर है, वो आएगा तो तहलका मचा देगा। उससे पहले मेरे पास गाड़ी और है, रुक तेरे को सुलाता हूँ फिर तेरे को बताता हूँ कि संजू भाई क्या चीज़ है। सो रे भाई तू, एक में तो नहीं गई, बहुत बढ़िया, आप बता दो ना इसको, आप बताता हूँ कि संजू भाई क्या चीज़ है भाई। इसके ऊपर मैजिक साइन बहुत इफेक्टिव, बहुत ज़्यादा, घंटा इफेक्टिव नहीं है भाई, वो कब भाई इतने जल्दी। अरे मेरे को कोई पागल बोल लो, बट ऐसा चिटिंग बाजी मत करो मेरे साथ, मेरे को बहुत दिमाग ख़राब होता है, खुद भी पॉइजन टाइप है, विनोसॉर भी पॉइजन प्लस ग्रास है, तो फिर दिक्कत किस बात की है। अपन बता देंगे इसको कपिंग क्या चीज़ है, कौन से फाइटिंग टाइप गोस के ऊपर सुपर इफेक्टिव होता है, जहाँ तक मेरे को याद है गोस के अपने डाक के ऊपर होता है, डाक टाइप नहीं है ये। लग गए, नहीं लगी अभी तक, बट लग सकते लग सकते लग सकते, लगे नहीं है, लग सकते हैं। वीना भैया हम बता दे, दिखा दे, अच्छा ठीक है ना भाई, स्लज बॉम्ब ही कर दे फिर, वो भी पॉइजन टाइप है, काफ़ी कम डैमेज पड़ेगा, लगा ही था। फेटल स्टॉर्म नाई, लग गए भाई, अच्छे से लग गए। टैलेंट फ्लेम में भी काम कर दे, मे भी उम्मीद तो है मेरे को, फ्लेम थ्रोअर पेंट, यार एक एच पी सर्वाइव भाई, एक एच पी बोलते भाई, एक एच पी बताओ, क्या बात है भाई, अच्छे दिन अपने कब आएंगे। ये भाई और पकाता है यार, ये कौन है यार, ना यार फिर वही सीन हुआ गंदा वाला। अबे यार मेरे को एयर स्लैश, को एयर स्लैश आता मैं भूल गया था, ओहो इसको एयर स्लैश अगर वो मारता ना इन्फिनिटी की खटिया खड़ी हो जाती, बट क्या करने में कुछ। सेलेमिन्स फ्लाइंग टाइप भी है, ड्रैगन टाइप भी है, ड्रैगन के ऊपर फ्लाइंग टाइप है ना ये, ले रॉक लिंग का, कुछ नहीं होगा। मॉल्टिन रीज भाई फ्लेम थ्रोअर का कुछ नहीं होगा, बहुत कुछ हो गया अबे, मस्ट रिचार्ज, तू रिचार्ज ही करते रहे, मैं ठोक दिया, ए बल्ले बल्ले, श्यामा संजू भाई जीत गए रे भाई, हाँ दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, नाइस गोइंग संजय, बट हर सेलेमिन्स यस इट्स अ सीम, यू चिल्ड्रन आर टैलेंटेड फाइटर्स एंड एस्ट्यूट ऑब्जर्वर्स, माई सेलेमिन्स डस इंडीड नो मॉल्टिन रेस, हाँ वही तो, बट दैट्स इम्पॉसिबल, ओनली हेल्सन नोज हाउ टू यूज इट एंड देयर इज नो वे ही डिड टीच यू द मूव। आई तो डोंट बिलीव एवरीथिंग यू रीड यंग वन, द एल्डर्स ऑफ ऑप्टस डिटेल द टेक्निक इन एन एंशिएंट टोम, इन फैक्ट इट वॉज द वेरी सेम टोम संजय हैड, ऑफ कोर्स इट्स विल नेवर हैव एंडेड अप इन सिलांटो लाइब्रेरी, देयर इज नो टेलिंग वॉट कुड हैव हैपेंड इफ इट फेल इन टू द रॉन्ग हैंड्स, बट हैज फेथ हुड हैव इट, द बुक एंड द टैबलेट आई टॉल फाउंड देयर वे टू मी, क्वाइट द एक्ट ऑफ प्रोविडेंस, वुडंट यू अग्री, आई थिंक इट्स प्रूफ द यूनिवर्स एंडोर्सेस माई गोल, but enough chatter, the age of the new elders is here, Solomon's consume this revival herb, ab kya revive to ho jayega wo, now summon the power of molten rays, fire onto the tablet I told and break the elder's seal, ye tehlka macha raha hai aur mere ko dar lag raha hai pata nahi kyun, mere ko gussa bhi aa raha hai, man kar todi nakis phodi nakis iski chaddi phadi nakis Solomon's ki, ha baki mat samajhna kuch warna mere ko police wale befaltu ko danda marenge bhai। She did it, but where did she go? पता नहीं। And the tablet, it's glowing now. What does this all mean? मेरे को क्या पता भाई, ये बुढ़ाऊ समझाएगा अब हमको। आ गया हर्षिल, आ गया भाई हर्षिल। संजय झांडू, बोलो सर क्या बात है। Please accept my apologies. This is all my fault. I shouldn't have underestimated the new elders and I should have trusted you. हाँ, जब चिड़िया चुग जाती है खेत, तभी सबको प्रोटेक्ट करने का दिखाई देता है भाई। अब हमारे ऊपर ही सब आएगा ना भाई, हमारे टकला ही फूटने वाला है। With the key tablet activated, the entire region is in jeopardy. I owe you both an explanation. Please let's talk at my home. तेरी भैंस की टांग, तेरे को पहले हम लोग समझाए, तेरे को समझता नहीं है। अभी इतना सब कांड हो गया, अभी हमको परेशान दे रहा है, अभी हमारा सिर फटेगा, हम लोग डिप्रेस हो जाएंगे कि नहीं। अरे क्या इंसान है भैया, मन करता मारू चप्पल निकल की। Morgana used molten rays on the tablet idol, correct? She will have been transported to the chamber of Gaia. Chamber of Gaia. It is a prison in engineered by the elders of Optus. Its purpose is to keep legendary Regigigas dormant. They built it to protect Optus from the earthquakes Regigigas wrought
ब्रॉट अपॉन इट मेनी ईयर्स अगो ब्रॉट अपॉन इट मेनी ईयर्स अगो काफ़ी सालों पहले भाई, वाह। नॉर्मली द चैम्बर इज इन एक्सेसिबल, ऐसा क्या? द एल्डर सील राइट, यस द सील कैन बी ब्रोकन यूजिंग द टैबलेट आइडोल, सो द टैबलेट आइडोल इट्स लाइक अ की इन अ मैनर ऑफ स्पीकिंग, यस when the seal is broken the key tablet transports the tablet idol's holder to the chamber, so how can we chase Morgana if she's got the tablet idol? That's a good question, she doesn't have the only one. Acha tumhare paas bhi kya? Wait, there's more than one tablet idol, sach mein kya? If my info is correct, yes, aisi baat hai kya? Legend has it there are three separate pieces of a second tablet idol. If we can somehow find this pieces and rebuild it, well, at least have a chance at stopping Morgana. Wait, I think I know where the pieces will be. The other three tablets, it was in a book the professor. It was in a book the professor made me read. Okay, made me read. Sanjay, we have got to recover the three idol pieces. Alakazam here can teleport you to the tablets. Time is of the essence. In the meantime, I will dig up my research on Regigigas. If it is unleashed onto Arbutus again, we will need to know how to stop it rampage. I will go find the professor. अब कहाँ जा रहा है यार वो? बाकी यार ये लोग पकड़ डालते हैं मेरे को भाई, सच में. We have to recover the three idol pieces. If Jandro is correct, they will be at each of the three tablets. Alakazam here can teleport you to these tablets. तो करना. Relicant tablet, Tangro tablet, Lilip Tang, अच्छा Harsel's house. ओके तो अलग से हम कर सकते हैं, बट आज के एपिसोड के लिए भाई इतना बहुत है अपन को भाई, अब जो करना है वो नेक्स्ट एपिसोड में करना भाई, आज के लिए बस इतना ही करते हैं। गाइस आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, एंड मेरे को लगता है सब लोग भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे एंड वीडियो को भी लाइक कर दोगे। इसी बात पर मिलेंगे कल नई वीडियो में, तब तक लिए सभी को एंड हैव अ गुड डे माय डियर गाइस।